ट्विंकल ट्विंकल लेजी स्टार, कितना सोगे उठ जाओ यार, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, सन हैज राइजन इन द स्काई, अपना एग्जाम आने वाला है भाई, तो उठ जा जल्दी, पी ले चाय और कमेंट में मुझको बोल दे हाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे दिवाली के हैंगओवर को कैसे खत्म करें, और ये जो हमें एक्सटेंडेड छुट्टियां मिल गई या अब जो खत्म होने वाली हैं, उसके बाद कैसे हम अपना टाइमिंग जो है सेट करें अच्छा सा, कैसे जबरदस्त टाइम टेबल बनाएं और पढ़ाई में एक नंबर होकर के आगे बढ़ जाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जब भी ये फेस्टिव सीजन होता है ना, फेस्टिव सीजन तो बहुत खुशनुमा बहुत जबरदस्त बीतता ही है, लेकिन फेस्टिव सीजन के बाद हमेशा ही एक हैंगओवर सा आ जाता है, जहां हम थोड़े से लेजीनेस के अंदर डूब जाते हैं। एक्चुअली दिवाली तो हो जाती है खत्म, लेकिन दिवाली के बाद के जो धमाके होते हैं वो बहुत डेंजर होते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में लेजीनेस का धमाका हो जाता है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट क्वोशेंट बढ़ जाता है, और इसीलिए हम टाइम टेबल से अपने भटक से जाते हैं। कहीं ना कहीं वापस से कमबैक करते करते पूरा महीना निकल जाता है, और इसमें अपना कीमती समय हम वेस्ट कर बैठते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि हम अभी से एक क्वालिटी टाइम टेबल बनाएं जो हमें एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना सके। हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो हमारे दिन को पूरी तरह फिक्स और शेड्यूल्ड कर सके, ताकि हम कहीं पे भी खोटे खोटा टाइम वेस्ट ना करें, अननेसेसरी टाइम पास ना करें, और अपनी प्रोडक्टिविटी को एकदम बढ़ा करके आगे चलें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है अपना लर्निंग स्टाइल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों ट्वेल्थ में अगर आप हैं तो आपके फेब एंड के आसपास बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अगर आप टेंथ में हैं तो आपके जैसे ही ट्वेल्थ का एग्जाम खत्म आपका शुरू है बॉस, तो कहीं ना कहीं दोस्तों फेब मार्च ये मंथ जो होते हैं ना, ये फुल ऑन प्रेशर वाले मंथ होते हैं। आपको अभी से ही एक तैयारी करनी है 2-3 महीने की, कि जिससे आपका शेड्यूल आपका रूटीन जो है ना वो जबरदस्त बन जाए। और हमेशा याद रखिए रूटीन इज इक्वल टू रिजल्ट्स, आप कितना भी रिजल्ट्स के पीछे भागेंगे वो कभी भी इंप्रूव नहीं होगा जब तक आप अपने रूटीन को इंप्रूव नहीं कर देते। तो इंप्रूव किसको करना है, रूटीन को इंप्रूव करना है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। जी हाँ, अननेसेसरी लोड लेके पढ़ाई करते नहीं बैठना है, रिलैक्स होके एंजॉय करके पढ़ाई करनी है, रूटीन सुधारो रिजल्ट अपने आप सुधर जाएगा। यस, सो फाइंड आउट योर लर्निंग स्टाइल, व्हाट हेल्प्स यू मोर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और थिंग्स, कौन सा चैप्टर है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको किस तरह से पढ़ना पसंद है, वो पहले आप डिसाइड करें। क्या आपको वीडियोस से, क्या आपको पीपीटी से, क्या आपको टेक्स्ट बुक से या पीडीएफ से या सिंपल टेक्स्ट से पढ़ना पसंद है, वो पहले डिसाइड कीजिए और फिर उसी स्ट्रैटेजी को हमेशा फॉलो कीजिए। कुछ लोग बहुत ही खिचड़ी जमा करके पढ़ते हैं, कुछ वीडियोस से पढ़ रहे हैं, कुछ बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ इसकी रेफरेंस बुक, कुछ उसकी रेफरेंस बुक, किसी ने 21 सेट ले लिया, किसी ने टारगेट ले लिया, किसी ने नवनीत ले लिया, तो हम भी सब जमा करते बैठेंगे, तो भाई वैसा नहीं होता है। पढ़ाई आपको अपने लर्निंग स्टाइल को अपनी कैपेबिलिटी को थोड़ा सा तराशना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा वेल इन एडवांस कि यार मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी ताकत क्या है, मैं कैसे ज्यादा आसानी से पढ़ सकता हूं। ऐसे में दोस्तों अपने वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं और आपको रेडीमेड माल मसाला मटेरियल मिल जाएगा अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में। कॉमर्स के अगर आप हैं या 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो आपको अपनी प्लेलिस्ट में, ये चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर सभी चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से रेगुलर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। 6-6, 7-7, 8-8 वीडियोस के चैप्टर हैं, आप आसानी से उनको देख करके नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। नोट्स भी अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, उस पे मिल जाएंगे। तो आप डिसाइड पहले कीजिए कि आपका लर्निंग स्टाइल है क्या, आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं पढ़ने के लिए, वो डिसाइड करके फिर ही अपने टाइम टेबल की ओर बढ़िए। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए कि आपको एकदम स्ट्रेस लेकर लोड लेकर नहीं पढ़ना है, ब्रेक इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी, यानी ब्रेक्स जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई मैं अभी डिसाइड कर लिया, अभी देखना मैं 10 घंटा पढ़ेगा, अभी देखना मैं ऐसा ऐसा पढ़ेगा ना भाई, पूरा 90% तो ऐसा चीर डालेगा बोर्ड के अंदर। ऐसा पढ़ाई करने वाले सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं बॉस। याद रखो ब्रेक बहुत जरूरी है, ब्रेक से ही आप थोड़ा सा रिजुनेट कर पाते हैं, रिफ्रेश हो पाते हैं, अपने आप को एकदम वापस से लाइवली बना सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई पानी पीते रहिए,
हेल्दी खाना खाइए, इधर उधर का बाहर का कोट कचरा मत खाइए, और अपने आप को हेल्दी रखते हुए अपने टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को फॉलो कीजिए। ब्रेक इज एज इंपॉर्टेंट एज योर बॉडी नीड्स वाटर। जितना आपके शरीर को पानी की आवश्यकता है, उतने ही आपके स्टडी टाइम टेबल को ब्रेक की आवश्यकता है। टेकिंग इट टाइमली हेल्प्स यू टू रिमेंबर मोर। जितना आप ब्रेक लेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक, उसी से आपकी याद रखने की शक्ति जो है वो और बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप एक एनालिसिस भी कीजिए बिफोर मेकिंग अ बेस्ट और ब्रिलियंट टाइम टेबल, जो इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले एनालाइज कीजिए कि आपकी ताकत क्या थी, आप पहले कैसे थे, व्हाट वेयर यू यस्टरडे, आपके पहले के रिजल्ट्स क्या थे, आपके पहले के मार्क्स क्या थे, आप क्या अब बनना चाहते हैं और कितना आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज अपग्रेडेशन इज नेसेसरी। अगर आप वही चीजें करते रहेंगे जो आप पहले कर रहे थे, तो यार आपको रिजल्ट भी वही मिलता रहेगा जो आपको पहले मिलता आ रहा था। अगर आपको रिजल्ट बदलना है, तो उन आदतों को भी, उन चीजों को भी बदलना पड़ेगा। द सिंपली दिस सिंपली मीन्स यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ डे बाय डे, क्योंकि वो इंसान किसी काम का ही नहीं जो सिर्फ ठहरा हुआ है एक ही जगह पर, एक ही कोने में, एक ही रास्ते पर, वहीं रुका हुआ। निरंतर चलते रहना जिंदगी है, और आपको आगे बढ़ना है तो बस चलते रहिए, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए अपने आप को, अपने पास्ट रिजल्ट से अपने आप को इंप्रूव करना है, ये चैलेंज खुद को दीजिए, और फिर पूरे जोश और जुनून के साथ अपना टाइम टेबल फॉलो कीजिए। दोस्तों, बैलेंस योर फ्री टाइम, ये बहुत जरूरी है और एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है एक अच्छे टाइम टेबल का। कई बार हम अपने फ्री टाइम में इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम अपने प्रोडक्टिव आवर्स को भी उसी में घुसेड़ देते हैं, और इसीलिए ये फ्री टाइम एक जहर की तरह भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जरूरी तो है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कई बार हम मोबाइल पे रील्स फिराते रह जाते हैं, स्टोरियां देखते रह जाते हैं, दिल मारते रह जाते हैं, कहीं ना कहीं लाइक दे रहे हैं, कहीं मतलब इसके अंदर इतने इंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि यार ये टाइम कब निकल जाता है, कब दो दो ढाई ढाई घंटे निकल जाते हैं पबजी के अंदर, फ्री फायर के अंदर खेलते कूदते पता ही नहीं चलता। और ऐसे में जो अपनी प्रोडक्टिविटी है वो तो यार हमने उसमें घुसेड़ दी, और इसीलिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। सोशल मीडिया हैंगिंग आइडियली चैटिंग इज यूजलेस, सबसे बड़ा मंत्र अब दे रहा हूं दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिएगा। स्टॉप एवरीथिंग व्हाट गिव्स यू टेम्पररी हैप्पीनेस, यानी ये जो टेम्पररी खुशी है ना, इसका कोई भी मोल नहीं है दोस्तों। आपको परमानेंट खुशी चाहिए तो अभी थोड़े से सैक्रिफाइसेस कर लो, अभी थोड़ा सा ईमानदारी से पेश आ जाओ, अभी थोड़ा सा अपने आप से ट्रू और फेयर रह जाओ। यार अपने फ्री टाइम को अगर आपने बैलेंस कर लिया ना सही तरीके से, तो आप बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स ला पाओगे, अपने माँ बाप के चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल लाओगे, और यही तो है जिंदगी, इसी के लिए तो हम जी रहे हैं और इसी के लिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने फ्री टाइम को बैलेंस करना, और इसीलिए जो भी चीजें आपको टेम्पररी खुशी दे रही है ना, उनको स्टॉप कर दो यार, ये अपने को हैजार्डस फील करवाएंगे, आगे जाके तकलीफ में डाल देंगे। यस, टेम्पररी हैप्पीनेस है भाई, रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है मेरे को, मैं दबा के रसगुल्ले खा रहा हूं, लेकिन भाई आगे जाके मेरे को डायबिटीज होने वाला है, आगे जाके मैं मोटापा फेस करने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं है थोड़ा सा टेम्पररी हैप्पीनेस को कंट्रोल करेगा ना बनता है, तभी तो आगे बढ़ेगा, ये याद रख लेना भाई। इसके अलावा आपको एक और चीज अच्छे टाइम टेबल से पहले याद रखनी है, दैट यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू योर शेड्यूल। सब साइड में, सब अलग, पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा टाइम टेबल एक तरफ, इस शेड्यूल को मैं कभी भी टूटने नहीं दूंगा, छूटने नहीं दूंगा। इतना स्ट्रिक्ट अगर आप अपने आप से हो गए ना, ईमानदारी तो खुद पे है भाई, ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। और इसीलिए दोस्तों, बी स्ट्रिक्ट टू योर शेड्यूल। एक दिन आलस करोगे, दो दिन आलस करोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम खुद से ही झूठ बोलते जा रहे हो, तो फिर ये टाइम टेबल कितना भी कोई भी अच्छा तुमको दे दे यार, अल्टीमेटली सब लॉस ही है ना यार। अगर आप अपने ईमानदारी अपने शेड्यूल पे नहीं दिखा सकते, तो फिर एवरीथिंग इज वेस्ट। योर स्लीपिंग टाइम डज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर शेड्यूल एंड रूटीन। गो टू बेड एट द फिक्स टाइम, आइदर 10 और 11 अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, जो भी आप शेड्यूल बनाएंगे। आज के इस वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूं आप सब एक अच्छा प्रोडक्टिव टाइम टेबल बना पाएंगे। तो अगर आप बनाते हैं ना टाइम टेबल, तो इसमें कब सोना है, कब उठना है, ये दो चीज सेट करना बहुत जरूरी है। और इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आप बहुत अच्छे से अपना शेड्यूल फॉलो कर पाएंगे। अपनी प्रॉब्लम ही है
सो जाता हूँ तो ज्यादा सो जाता हूँ, ससुरा याद ही नहीं रहता कब उठना है, अलार्म बज बज के थक जाता है, माँ उठा उठा के पक जाती है, लेकिन ससुरा मैं उठ ही नहीं पाता। तो याद रखिए दोस्तों, जो सोवत है वो खोवत है, तो कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं, आपको तो पाना है, और अगर आपको पाना है ना तो भैया टाइम पे उठ जाना है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा मैं ये चार इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा, ये मंत्रास हैं, चार इंपॉर्टेंट मंत्रास। सबसे पहले वेक अप अर्ली, फ्रेशन अप क्विकली, ऐसे आलस से ब्रश घुमाते हुए मत उठिए, फटाक से उठिए, एकदम बिस्तर से छलांग मार के अक्षय कुमार वाली, और फटाक से वेकअप करने के बाद फ्रेशन अप हो जाइए ताकि आप तरोताजा दिखें, तरोताजा फील करें, एंड देन स्टार्ट रिवाइजिंग फॉर एन आवर। जो पहले आपने पढ़ा था पिछली रात को ना, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए 8x मोड पर। जी हाँ दोस्तों, 8x मोड पर अपने दिन की शुरुआत अगर आपने कर ली ना, तो भाई आपको कोई पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आप मस्त से मजे से अपने दिन को व्यतीत करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से, प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली। क्या है ये 8x मोड, चलिए जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8x मोड में यहां पर याद रखिए 24 घंटे हमारे पास, हम सबको पता ही है, इन्हें आपको तीन टुकड़ों में बांटना है, 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स। यस, 8x मोड, यहां पर 8-8 घंटे के तीन टुकड़े कीजिए, दिन खत्म खत्म खल्लास फिनिश फटाक से एक एकदम जबरदस्त तरीके से। यस, यू नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, हर किसी को 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, और यहां पर ही हम गड़बड़ कर देते हैं, कभी 10 घंटे सो जाते हैं, कभी 12 घंटा पड़े हैं। यार 8 घंटे की नींद एकदम इनफ है, बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत मजेदार है, एकदम कूल काम कुकुम्बर वाली स्लीप मंगती है 8 घंटे की। उससे ज्यादा अगर तुम सो रहे हो ना, तो फिर यार तुम बहुत कुछ खोने वाले हो, ये लिख के ले लो, 8 घंटे की स्लीप बस, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा दोस्तों 8 आवर्स ऑफ स्टडी, बहुत सारी पब्लिक सोच रही है कि भाई 8 घंटे पढ़ने बोल रहा है यार, लेकिन याद रखो 2 घंटे के 4 टुकड़े करो, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, 2 4 8, 8 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है पूरे दिन में। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो, आप कौन सा 2 घंटा कहाँ निकालते हो, आप सुबह 2 घंटा पढ़ लो, दोपहर में 2 घंटा पढ़ लो, फिर शाम में 2 घंटा पढ़ लो, रात में सोने से पहले 2 घंटा पढ़ लो। अगर ये बैलेंस आपने 8 घंटे का बना लिया ना, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है बॉस। 8 आवर्स ऑफ स्टडी विल क्रैक अप योर एग्जाम लाइक एनीथिंग, यू विल सक्सीड विद द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। ये 8 घंटे कैसे निकालने हैं, 2-2 घंटा एक साथ ऑन द स्ट्रेच, 8 घंटा टॉपर भी पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा। याद रखो 8 घंटे एक साथ बैठ के नहीं पढ़ना है आपको, एक एक 2-2 घंटा पढ़ना है, ब्रेक लेना है 10-15-20 मिनट का, फिर 2 घंटा पढ़ना है, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 2 घंटा पढ़ना है। ये 8 घंटे का शेड्यूल अगर आपने एकदम फिक्स कर लिया ना, काम फिट, मामला हिट, और आंसर सुपर हिट निकलेगा, एग्जाम के अंदर रिजल्ट रॉकेट की तरह उड़ेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप that you follow this timetable and you will definitely succeed. 8 hours of study ke alawa doston, 8 hours for the rest of the things. Yes, ye 8x mode aapko aapke 24 ghante super productive banane mein madad karega. Yes, super productive banane mein. Humne 8 ghanta so liya hai, 8 ghanta hum padhai karne wale hain, aur 8 ghanta rest of the things. Rest of the things manje kya hai? To yahan pe apna social media ho gaya, kisi ko like de rahe hain, dil daba rahe hain, kahin na kahin reel phila rahe hain, shorts आ रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, सोशल मीडिया है आपके पास, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, खेलकूद है, इसके लिए भी 8 घंटे हैं बॉस अपने पास। तो भाई खेल बहुत सिंपल है, तुम 8x मोड पे अगर आ गए ना, तो ये 3 bifurcation से तुम हर चीज कर पाओगे। ऐसी कोई चीज अपन सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहे भाई, अपन 8 घंटे की पढ़ाई भी कर ले रहे हैं, अपन 8 घंटा सो भी रहे हैं, और 8 घंटे में अपन अलग-अलग चीजों को अलग-अलग टाइम भी दे रहे हैं। भाई 1-2 घंटा मैंने मोबाइल देख लिया, मैंने 1-2 घंटा पेरेंट्स को टाइम दे दिया, उनको भी अच्छा फील हो रहा है, वो लोग भी खुश है कि यार बच्चा घर के काम भी करके दे रहा है, इसके अलावा दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप टाइम मैनेज करेंगे ना, तो 24 घंटे में यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली विद प्रॉपर राइट बैलेंस माय डियर स्टूडेंट्स। ये नजरिए से अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो आपके ज्यादा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार परफेक्टली जा रहा हूं, बहुत ही अच्छे से जा रहा हूं। हो सकता है 2-3 दिन डिफिकल्टी आए, हो सकता है ये टाइम टेबल फॉलो करने में 2-4 दिन बहुत ज्यादा बुरे जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो, लेकिन अगर आपने इसकी आदत बना ली ना,
तो फिर दोस्तों आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, इट विल बी जबरदस्त, इट विल बी माइंड ब्लोइंग एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये हेल्दी लिविंग का, हेल्दी लाइफस्टाइल का बेस्ट एग्जांपल बन सकता है और आपसे लोग इंस्पायर हो सकते हैं अगर आप ये 888X मोड आसानी से फॉलो कर पाए। दोस्तों याद रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, आपको कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर चीट, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं बोल सकते। सफलता तभी आपको मिलेगी जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, गली बॉय में भी बोलता है ना यार कि तेरा गाना तू नहीं गाएगा तो दूसरा गाय को गाएगा। भाई तेरे को अपने आप पे भरोसा करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज वाई बिलीव इन योर सेल्फ माई डियर स्टूडेंट्स, नेवर चीट, फॉलो अ प्लान स्ट्रिक्टली, स्ट्रिंजेंटली, कॉन्फिडेंटली and move ahead, you will definitely get success. My dear students, it's on you how you want to manage your subjects. Tumko kaisa pasand hai waisa tum subject chuno na bhai, 8 ghanta padhne ka decide to kar lo. 8 ghante ke andar tumko salang 10 din tak ek hi subject padhne ka hai ki 2 din ek subject phir dusre din tisra ya 2-2 ghante mein bhi alag alag subject, ye tumhare upar, that is on your comfort, that is on your ease, that is on your favoritism. कौन सा subject तुमको ज्यादा पसंद है, कौन सा subject में तुमको डर लग रहा है, tension आ रहा है, जिसको तुम जितना time allocate करना चाहते हो करो, लेकिन 8 घंटा निकालो पढ़ाई के लिए, अपने हिसाब से subject को manage करो। Definitely, 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 my dear students, आप हर subject को board exam से पहले 10 दिन में ही cover कर लोगे, 10 दिन पहले ही cover कर लोगे। A subject at a time you can take, यानी सलंग एक subject खत्म करना है 10 दिन में, 15 दिन में, तो वो कर सकते हो, या तो फिर different subjects को बीच बीच में shuffle करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो। It is completely on you, और मैं इसमें कोई भी अपना guidance नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर एक का अपना schedule होता है, हर एक का अपना टाइमिंग होता है, कोई कोचिंग जाता है, कोई कॉलेज के अंदर ज्यादा घंटे बैठता है, कोई ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, तो कोई सबका अलग अलग शेड्यूल है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि बॉस 8 घंटा फिक्स करो, वो 8 घंटे में तुम बाइफरकेशन कैसे करते हो वो तुम्हारे ऊपर है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर तुमने 8 घंटे निकाल लिए ना बॉस, 8x मोड पे अगर तुम आ गए ना, धमाल मचा दोगे, रिजल्ट बेस्ट लाओगे, कसम से बोलता हूं भाई मचा डालोगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टाइम टेबल समझा होगा, ये शेड्यूल आप जरूर फॉलो करेंगे। यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और याद रखिएगा, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो, सो बिकम अ डिसीजन मेकर। याद रखिए कि आपको निर्णय लेना है आज, और आज से ही एक नई शुरुआत करनी है, अपनी जंग में जीतना है तो आज ही से अपनी तलवार को धार देना शुरू करना पड़ेगा। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रॉक द एग्जाम्स, एंड फॉर दैट दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर वेल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, जरूर जरूर कमेंट करके अपना प्यार दर्शाइए, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, यहां पर हम नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए चैनल के, वहां पर आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी, आपको जरूर मदद मिलेगी वहां से। हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और वीडियोज लाते रहेंगे, आप अपना प्यार बरकरार रखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।